हमारे ज्वाइनिंग से पूर्व एक यहाँ पर मैटर था ऑक्शनिंग का, जो घाट पे हमारा सिल्ट जमा हो जाता है, तो उसकी ऑक्शनिंग के लिए कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में रीजंस कोट करते हुए हमारे प्रेडिसेसर ने कुछ अनुमति दी थी, तो उसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल एनजीटी में। ऑनरेबल एनजीटी की डायरेक्शन थी कि यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाए कि वेदर एनी इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट इन द ड्यूरेशन डेट वॉज गिवन टू द माइनर। सो उसी के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट कमेटी का आज इंस्पेक्शन शेड्यूल्ड था, और उसमें जो चंद हमारे व्यू पॉइंट्स हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कंपाइल करके ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अवज़ में एक पब्लिक विज्ञप्ति जारी करने के लिए हमने निर्देशित किया है कि अगर किसी भी पब्लिक मेंबर के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो सिद्ध करता हो कि उस दौरान कोई रिवर बेड से इलीगल माइनिंग हुई है, तो देन वी विल एक्ट अपॉन इट, वी विल टेक एक्शन। और सेकेंडली, यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी भी हमने फुटेज कॉल की है। सर, गंगा कॉरिडोर को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें हमारे जॉइंट स्ट्रेटजी है मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की, और स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारे कई विंग इस पर काम कर रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे हमको जो डायरेक्शंस मिलेंगी उसमें पूर्ण सहयोग प्रदत्त करेगा। ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है, और साथ ही सोसाइटी का बिहेवियरल चेंज, वो बिहेवियरल चेंज आना बहुत ज़रूरी है। हम इंटरवेंशंस, इन्वेस्टमेंट्स जितने भी करते हैं सस्टेनेबल तभी हैं जब जो उसके लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वो उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। सर, रानी पोखरी में 100